शांति, मैं कृष्णा छलावड़ा। तो आज हम बनाते हैं छोले पुलाव, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये चावल का पोहा लिया है। इसको पानी में भिगो के रखा था और ये मैंने छोले वाला जो चना है वो मैंने पानी में इसको पूरी रात 8-9 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये मैंने पत्ता गोभी ली है, इसको बारीक कट कर लेते हैं। तो ये पत्ता गोभी हमने बारीक कट कर ली है और यहाँ पे ये आटा शिमला मिर्च ली है, उसको भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। छोले पुलाव बनाने के लिए आपको कोई भी वेजिटेबल पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हो। मिर्च और पत्ता गोभी को कट कर लिया है। अब ये पोहे हैं जो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ये जो हमने हमारा जो चना है उसको भी हम ऐड कर देते हैं। अब ये जो कुछ मसाले हैं उसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना मूंगफली का तेल लिया है, उसको पहले ऐड कर देते हैं। और स्वाद के अनुसार यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जितना सेंधा नमक, 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे गरम मसाला 1 चम्मच और ये 1/2 नींबू का रस भी हम ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। और आप चाहे तो, आपको पसंद हो तो आप प्याज या लहसुन भी इसमें डाल सकते हो। और आप जब छोले पुलाव ऐसा रो बनाते हो तो आपको कोई भी वेजिटेबल पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो ये अच्छी तरह से सभी मसाले मिक्स हो गए हैं। और ऐसे जो रो छोले पुलाव हम शाम को ऐसी प्लेट बना के खा सकते हैं। तो अब मैं इसमें बाउल में सर्व करती हूँ। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे।